नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजी अंजू। आज हम बात करेंगे ओवर ईटिंग की। त्योहारों का मौसम चल रहा है मित्रों, और ऐसे में स्वादिष्ट भोजन, फ्राइड फूड आदि खाए जाते हैं। घर में अनगिनत तरीके के पकवान बनते हैं नाना प्रकार के, जिन्हें देखकर हम अपने मन को तो कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो भोजन स्वादिष्ट होते हैं तो हम इसकी ओवर ईटिंग भी करते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। तो क्या आप भी ओवर ईटिंग से परेशान हैं? आपका जवाब अगर हाँ है तो आपको इस आदत के साइड इफ़ेक्ट भी पता ही होंगे, क्योंकि ओवर ईटिंग करने से सिर्फ आपका वज़न नहीं बढ़ता है बल्कि कई तरह की बीमारियाँ भी आपके शरीर को घेर लेती है। और इस बीमारी की वजह से आप हर वक्त परेशान रहते हैं, कभी गैस्ट्रिक हो जाती है आपको, कभी घुटनों में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी सर दर्द, एसिडिटी, बहुत कुछ होता है मित्रों। तो इस ओवर ईटिंग से हमें छुटकारा तब मिल सकता है जब हम अपने खान पान को संतुलित रूप से संतुलन में रखें, यानी कि बैलेंस डाइट ले। और खाने का एक तरीका होना चाहिए हमारा, जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन होती है सुबह उठकर खाने पीने की, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती। कई लोग सुबह उठते ही खाली पेट बेड टी ले लेते हैं, उठते ही चाय पीते हैं, चाय के साथ 2-4-5 बिस्किट खाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ओवर ईटिंग नहीं कर तो बात की बात है। सबसे पहले आपके दिन की शुरुआत ही गलत होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले 2-3 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि सुबह जो पानी हम पीते हैं वो कम से कम 2-3 ग्लास होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी काफ़ी हद तक डिटॉक्स हो जाती है। जी हाँ, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको पानी खाली पेट ज़रूर पीना चाहिए, जिससे आपका पेट भी काफ़ी देर तक भरा भरा रहता है और आपको कुछ भी खाने की क्रेविंग नहीं होती है। और सुबह आप खाली पेट में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मुंह में रखकर उसे हल्का हल्का चूस सकते हैं, उसे चबा सकते हैं, जो कि शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और शक्कर की जगह अगर गुड़ आपके शरीर में जाता तो वो नुकसान भी नहीं करता है और आपको भूख की, कुछ खाने की क्रेविंग भी इससे नहीं होगी। हंगर कंट्रोल करता है ये, और ओवर ईटिंग से तो बचाता ही है डेफिनेटली। इसके अलावा आप सुबह जो है चुकंदर का जूस, वो बहुत हेल्दी होता है मित्रों। चुकंदर का जूस ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके त्वचा के लिए भी अच्छा होता है और पेट भी इससे आपका ठीक रहता है, गड़बड़ नहीं होता है और भरा भरा भी रहता है। ये भी हंगर को कंट्रोल करता है, और इसके बाद आपको कुछ खाने का वैसे भी दिल नहीं करेगा क्योंकि आपको भूख नहीं लगेगी। अब हम बात करेंगे आपसे आगे सब्जी और फलों की। तो सब्जियों और फलों का हमें सैलेड खाना चाहिए, यानी कि सलाद। जब भी आप दिन में लंच करते हैं उससे आधे या एक घंटे पहले आप प्लेट भरकर सलाद खाएं। उस पर स्वाद के लिए आप चाट मसाला और नींबू छिड़क कर जो है आप उसे स्वादिष्ट सलाद बनाकर खा सकते हैं, तो वो खाएं। इससे भी आपकी जो है भूख कंट्रोल होती है, और जब आप फिर भोजन करने बैठेंगे तो भोजन कम खाया जाएगा। तो वैसे भी फलों और सलाद का कॉम्बिनेशन जो होता है, फलों और सब्जियों का, वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इससे आपके शरीर को बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, विटामिन ए, डी, ई, जो मुख्यतः यही चाहिए होते हैं। उबले हुए चने आप खा सकते हैं, स्प्राउटेड जो होते हैं मूंग, चना, मोठ, इन सबको आप स्प्राउट कर लीजिए तो इनकी कैलोरीज कम हो जाती है। और इन्हें खाने से अगर आप एक बोल भी खाते हैं, या तो आप इन्हें कच्चे भी खा सकते हैं, इसमें प्याज, टमाटर, खीरा डालकर,
और नमक चाट मसाला डालकर एक अच्छा सा सैलड बना लें, वो खा सकते हैं। और इसमें कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होती और आपका पेट भर जाएगा अच्छे तरीके से। तो ओवर ईटिंग की जो आदत का सॉल्यूशन जो है, यही सब है। उबले चने को जैसा कि मैंने बताया, चाट या सैलड स्टाइल में भी आप खा सकते हैं। इसमें एक कटोरी मुरमुरे और सेव नमकीन मिला मिला सकते हैं आप, और मज़े से खा सकते हैं। फिर इससे भी आपकी जो क्रेविंग है वो शांत हो जाती है। जैसे कई बार हमें शाम के समय भी बहुत कुछ खाने की क्रेविंग हो जाती है, उस वक्त आप वो मुरमुरे चने जो होते हैं, भुगड़ा चना जैसे कहते हैं उसे, आप हल्का नमक नींबू डालकर प्याज डालकर उसे एक स्नैक्स जैसा बना सकते हैं, जो कि काफ़ी लाइट वेट होता है, कैलोरी कम होती है, उसे आप ले सकते हैं। और दूध की चाय की जगह आप ग्रीन टी या ब्लैक टी पिए, उसमें कैलोरी बहुत कम होती है। तो आज मैंने आपको काफ़ी सारे टिप्स बताए हैं ओवर ईटिंग से बचने के लिए। आगे भी आपके लिए कुछ नया लेकर आते रहेंगे, लेकिन तब तक हमारे साथ बने रहिए। तो करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। लेकिन जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।